हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है मंडे और आज मंडे पता है आज मंडे है और अभी बज रहा है शाम के, मतलब शाम के नहीं दोपहर के चार। डीमार्ट चाहिए है और हम जा रहे हैं डीमार्ट। हम जी डीमार्ट जा रहे हैं बोल रहे हैं, पहले से बता देता है हम डोरेमोन वहां पर डोरेमोन है। अच्छा, और टिकले बूट और जो गोली और गोली और जो बंदूक आए, बंदूक भी है, गोली भी है, गोली भी है और भूत भी है। भूत कहाँ से आ गया पता नहीं, और डोरेमोन भी है। तो चलो, हाँ एक मिनट, नोबिता भी है। इसका मुंह बंद कर देती हूँ, इसका मुंह बंद कर देती हूँ, बात ही नहीं करने देता यार। ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद बात ही नहीं करने देता ये तो। हाँ, मैं खाना खा रही थी यहाँ पे क्योंकि किचन में चल रहा है काम। आरओ वाले आए हैं और कितने दिनों के बाद, अभी इतने बार फोन करने के बाद आज आया है और आज रिपेयरिंग हो रही है आरओ की। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आई थी, मुझे लगी थी भूख, मैंने खाना नहीं खाया था सुबह से एक्चुअली, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। और अभी मुझे आधा खाया है राइस और अभी खाने का मन भी नहीं कर रहा, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ क्या चल रहा है। और अभी वेट ही कर रही हूँ तो। और हाँ, चाय बन के आ गई है आज माही ने चाय बनाई है। तो आज माही ने चाय बनाई है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पर मैं जा ही नहीं रही हूँ, इतना सारा गलाटा पड़ा है। अभी मुझे क्लीन करने के लिए कितना वक्त लगेगा आप सोचो, इतना गलाटा करके रखा है उन्होंने। और मैं धीरे धीरे इसीलिए बात कर रही हूँ कि उनको आवाज़ ना जाए। और इतना सारा काम चल रहा है यहाँ पे, कितनी देर से चल रहा है, 1 बजे से काम चल रहा है। और 1 बजे से हमने सोचा कि माही आएगी तो उसके बाद हम लोग डीमार्ट जाएंगे, ग्रॉसरी लानी है। जैसे कि आपको बताया था कि मैंने ग्रॉसरी ख़त्म हो चुकी है, मतलब जो मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग है वो करनी है, तो उसके लिए भी जाना है। और चाय हो रही है ठंडी तो चाय पी लेती हूँ पहले, फिर आपसे बात करती हूँ। ये देखो होने वाला है इनका, मैं तो वेट कर रही हूँ कब से। और ना ये होने के बाद फिर क्लीन भी करना पड़ेगा मुझे, ये सारा कुछ होने के बाद क्लीन करना पड़ेगा पूरा किचन। तो अभी नहीं करूँगी क्लीन क्योंकि अभी डीमार्ट जाके आते हैं, क्योंकि इनको ड्यूटी भी जाना है उसके बाद, तो इस वजह से पहले डीमार्ट जाके आते हैं और उसके बाद टॉवल। फिर देखिए ऐसे ना, जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ उसी टाइम मुझे दिखता है कि टॉवल उस पर टांगे हुए हैं करके, तब ये बाहर डाल देते हैं। तो तभी मुझे याद आता है। और हाँ, एक मिनट, इस वजह से मैं बाद में क्लीन करने वाली, क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा यार, कब जाएंगे ये भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कितने दिनों से मैं वेट कर रही थी एक्चुअली कि ये कब आएंगे, और अभी सोच रही हूँ कि ये कब जाएंगे। चलिए फिर, 4 बज गए, 4:15 बज गए। बाप रे कितना गलत हो गया। अभी गया है वो और हम निकले अभी डीमार्ट जाने के लिए। कितनी देर से वेट कर रही थी, नहीं है, नहीं है वहां पे, वही है। चलो गेट लॉक कर लेते हैं। ये थैली में क्या होगा भाई, दूसरा लेके। कितने देर हो गई, आपके बिना कैसे जाते माई, हर टाइम आपके साथ जाते हैं, आपके बिना कैसे जाते। माई को लगा हम लोग चले गए होंगे। पहन लो। ओके, थैंक यू। वैसे भी आप ही रख लो वो वाली, रख लो आप ही। माही को वो वाली चप्पल जो मैंने लाई थी वो वाली पसंद आई है। ये तो
तो बोल रही है कि मैं रख, मतलब मैं पहनू क्या आज, तो मैंने बोला आप ही रख लो, क्योंकि वैसे भी मुझे वो थोड़ी सी छोटी हो रही है, और माही को बिल्कुल बराबर हो रही है, इतनी छोटी है माही और इतने बड़े पैर है माही के। हाँ हाँ आपकी चप्पल है उसके पापा शू पहन रहे, इसी वजह से इसको भी शू पहनना है। अब पहले सैंडल पहन ली थी, निकाल रहा हूँ देखो, सैंडल पहनी थी, अभी सैंडल निकाल रहा है, और उसके पापा ने शू पहना तो इसी वजह से उसको भी अभी शू पहनना है। उसके पापा ने अगर सैंडल पहनी हो तो उसको भी सैंडल पहननी होती है। हाँ 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 गाड़ी में पहनना। बस हो गया, आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो, हो गाड़ी में पहनना। चलो अद्विक पत्थर कशाची भीती काबर मैं लॉक केलं काय साडीच पण आणायचं आहे ना मला दादा, है ना दी? बाबा तिकडे तिथे ते डेकोरेशन सुरू आहे ना। अच्छा अच्छा नरी निकल चुके हैं घर से गाइज, और जल्दबाजी में लेना पड़ेगा क्योंकि इन्हें जाना है ड्यूटी। दीवान में डोरेमोन भी है, भूत भी है, भूत भी है, डोरेमोन भी है, डीवान में नोबिता भी है, नोबिता भी है, शिनचान भी है, मॉम भी है, मॉम भी है, शिनचान की मॉम, शिनचान की मॉम भी है। अच्छा और कौन कौन है? अब कौन नहीं, और कौन नहीं, ओके। तो हाँ किसी ने मुझे पूछा था कि डोर आप लॉक नहीं करते हो क्या आगे का, तो नहीं डियर डोर लॉक नहीं करती हूँ, तो क्योंकि क्या है, हाँ क्योंकि क्या होता है कि कुछ लेके नहीं जाते है कोई, और वहाँ पर थोड़ी सेफ्टी भी है, और वो भी लगाया हमने सीसीटीवी कैमरास, तो इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। तो इसी वजह से हम लोग ना कभी भी ऐसे कुछ बाहर गाँव गए, तो मतलब कुछ सिटी से बाहर गए तब भी लगाते हैं लॉक, अदरवाइज अगर सिटी में ही रहे तो लॉक लगा के कभी नहीं जाते हैं, कोई लेके नहीं जाता है, इतना सारा सामान हमारा बाहर पड़ा रहता है। बट अभी तक तो कुछ हमें ऐसा लगा नहीं कि कुछ लेके गया करके कुछ कोई, तो कोई लेके नहीं जाता है, इसी वजह से हम लोग लॉक वगैरह कुछ लगाते नहीं, हमारे कॉलोनी में कोई भी लॉक नहीं लगाता है, मतलब बाहर का, अंदर का लॉक तो लगा हुआ ही रहता है, और वैसे भी कोई नहीं लेके जाता है, इसी वजह से नहीं लगाते हैं। यार मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, इसको सिर्फ पापा के हाथों से पहनना होता है, देखो यहाँ पर पहन रहा है अभी पापा के हाथों से। गाड़ी में पहनने के लिए बोला तो नहीं पहना उसने, किसी के हाथों से नहीं पहनना है उससे, सिर्फ पापा के हाथों से पहनना है। चलो आ रहा अभी पीछे से
वाली भर गई पूरी, देखो आपने सही कहा था, नहीं दो ट्रॉली लेनी चाहिए थी, मैंने पहले बोला था दो लेनी, दो लेनी चाहिए थी ट्रॉली, लेकिन एक ही ली, भर गई पूरी। अरे देखना देखना, खाने के बाद तुरंत गलाटा दिख रहा है। चलिए इनके लिए चाय बनानी है और इनको ड्यूटी जाना है, जल्दी जल्दी से चाय बनाते हो और इनको जाना है ड्यूटी, बहुत जल्दबाजी हुई है क्योंकि जब से लेट निकले वहाँ पर गए, फिर वहाँ पर भी जल्दी जल्दी सामान लिया। ये देखो ये पूरा सामान लेके आ रहे। चलो मैं चाय बनाती हूँ। डेली कही जाऊ नो को पापा ड्यूटी जाऊ नो को। पापा देखो सब बोले क्या, रोतड़ू अद्विक, रोतड़ू अद्विक, रोतड़ू अद्विक। आज सबको पता चल गया आप कैसे रोते हो। जाओ न को पापा। और मेरी साड़ी लेके आना, साड़ी आज लेके आना। हाँ। कितने दिनों से साड़ी का बोल रही हूँ, 3 दिन हो गए साड़ी लेके ही नहीं आ रहा मेरी। इधर से जाना पहले साड़ी लेने के लिए और फिर उसके बाद ड्यूटी, ठीक है? हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे। नहीं आज तो साड़ी लानी पड़ेगी आपको, इतने दिनों से आप भी बोल रहे कि साड़ी आएगी तो दिखाना, बट साड़ी नहीं ला रही यार, ये कहाँ से दिखाऊं मैं आपको। गाइज अब तक क्लीनिंग ही चल रही थी तो पूरी क्लीनिंग की है, मतलब किचन की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा करके रखा था उन्होंने जब रिपेयरिंग के लिए आए थे, तो रिपेयर हो चुका है फाइनली, मेरा टेंशन ख़त्म हो गया है। मतलब टेंशन तो अभी भी था, मतलब रिपेयर होने के बाद पूरा क्लीन करना पड़ा सारा फर्श वगैरह, उस पर गंदे गंदे पैर करके रखे थे, और फिर पूरा किचन क्लीन करना पड़ा, झाड़ू पोछा ये वो, पूरा गैस का स्लैब क्लीन करना पड़ा, कहीं पर भी वो डाल देते हैं। पूरी मशीन खोली थी उन्होंने, पूरी वो जो मशीन है उसके अंदर की वो जल गई थी, तो इस वजह से मैंने आपको कल बोला था कि पूरी स्मेल आ रही थी, तो इस वजह से वो पूरी चेंज की है और सारा कुछ उसका चेंज किया है, मतलब कुछ और भी चेंज किया है, तो ऐसे करके फाइनली रिपेयर हो गई है। तो अभी ना हाँ डीमार्ट से मैंने ग्रॉसरी जो लाई है वो रेगुलर की है, मतलब जो मैं लाती हूँ, ज़्यादा ग्रॉसरी इस बार लाने की ज़रूरत नहीं थी। चावल दाल और क्या बोलते हैं आटा और ऑयल ही लाया है, और बाकी का ऐसे ही थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे जीरा हल्दी वगैरह ये वो लाया है। तो एक्स्ट्रा क्या लाया है मैं दिखाती हूँ आपको, एक्स्ट्रा लाया है ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ, तो ये लाया है, तो ये कलर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं ये, मतलब ये नैपकिन लाई है मैंने, ये हैंकी नहीं है, ये वाले नैपकिन, इस तरह की हैंकी भी है मेरे पास तो इससे मैं पोंछ लेती हूँ। तो ये वाले 3 लाए हैं, ये एक ये कलर का एक और ये ग्रे कलर का एक, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब जल्दी से सोख कर लेते हैं जो भी पानी है। और ये वाला मेरे पास पहले था और एक दूसरा था, तो वो इतना काम नहीं करता, और ये ना इतना जल्दी गंदा होता है और जल्दी इसके दाग नहीं निकलते हैं, मतलब वैसे भी इसमें मैंने पिंक कलर लिया है तो फालतू में पैसा वेस्ट जाता है इसको लेने से, वो मेरा गंदा हो चुका है। तो मैंने सोचा चलो नैपकिन तो चाहिए होगे, इसी वजह से मैं ये लेके आई हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्वालिटी में, और इसकी जो प्राइस है वो भी आपको बता देती हूँ, 59 रुपीज़ ईच प्राइस है इसकी, तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, मुझे अच्छे लगे, काफ़ी दिन चल जाएंगे ये, 3 लेके आई हूँ। एक इन्होंने एक्चुअली इनके गाड़ी के लिए लिया है, इनकी मीन्स हमारी गाड़ी के लिए,
और ये दो मैंने किचन के लिए लिए हैं। और हाँ, काफी दिनों से लोग बोल रहे थे कि यार आप एक ही कपड़े यूज करती हो किसी भी चीज में, मतलब क्लीन करने के टाइम आप गैस का स्लैब भी एक ही से क्लीन करती हो और वो भी गैस भी एक ही से क्लीन करती हो। तो मैं आपको बता दूं यार, मैं बता बता के कमेंट में भी थक गई हूँ कि मैं एक इससे नहीं क्लीन करती हूँ। ये वाले जो हैंकी है मेरे पास, ये भी माइक्रो फाइबर वाली है, थोड़े से अलग है, मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट इसका कपड़ा है। ये वाला न्यू है थोड़ा सा, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से बहुत ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा है इसका। और ये वाले हैंकी मैं यूज करती हूँ अपने क्लीनिंग के लिए, और इसको क्लीन करना भी काफी ज्यादा इजी हो जाता है, तो इसी वजह से ये यूज करती हूँ। और ये मैंने सेट लिया था एक्चुअली, वो पिंक कलर का आपको दिखाया मैंने, वो दो थे, एक ऑरेंज कलर के दो थे और ग्रीन कलर के दो थे। तो जो ऑरेंज एंड ग्रीन कलर के जो दो दो थे, तो वो मैंने क्लीनिंग के लिए निकाल लिए थे। तो आपको लग रहा था कि मैं अगर मैं ग्रीन कलर का लूंगी तो मैं ग्रीन कलर का है, नीचे मैं ग्रीन कलर का लेती थी और फिर ऊपर भी मंथ भी ना रहता है अपना कि यार मैं ग्रीन कलर का ही ले रही हूँ या ऑरेंज कलर का ही ले रही हूँ। जल्दी जल्दी हमें काम करना होता है, तो इस वजह से हम लोग कोई भी हाथ में जो आया वो ले लेते हैं। तो बहुत लोग इस पर बवाल कर रहे थे कि आप उसी से गैस का स्लैब भी क्लीन करते हो, उसी से आप गैस भी क्लीन करते हो, तो हाइजीन का ध्यान नहीं है। तो यार मैं आपको बता दूं कि मैं ही खुद, मुझे ही अच्छा नहीं लगता है, मैं खुद ही इतना ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखती हूँ और मुझे ही क्लीनिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं क्यों करूंगी ऐसा यार। और वो भी मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे घर के लिए या बच्चों के लिए कितना ज्यादा सेफ रखना है मुझे, या क्या करना है, और गैस पे कैसे यूज करना है, या कौन सा कपड़ा मुझे स्लैब पे यूज करना है, मुझे खुद को समझ में नहीं आता। मैं गवार थोड़ी ना हूँ यार, आप लोग मतलब इतना छोटी छोटी बात को लेके इतना बवाल कर देते हो। तो क्लीनिंग वाले वीडियो पे इतने कमेंट आए, तो पहले पहले मैंने कमेंट डिलीट किए, बट मुझे लगा यार फालतू में डिलीट कर रही हूँ मैं कमेंट, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ये क्यों ऐसे बोल रहा है। तो मैं फाइनली, मुझे लगा कि आपको लोगों को मैं समझा दूं कि मेरे पास ये जो है, अभी मैंने दो रखे हैं, दो ही रखे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गलाटा हो जाता है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे दो ही रखे हैं अभी, और दो मैंने अंदर रख दिए हैं। तो वो गंदे नहीं हुए हैं, मतलब खराब नहीं है या पटे नहीं है, बट मैंने ऐसे ही रख दिए हैं अंदर क्योंकि दो यूज होते हैं अच्छे से और उससे काम चल जाता है मेरा। और ये वाले जो पिंक है वो नए ही है, तो एक मैंने भगवान के यहाँ पे रखा है क्लीनिंग के लिए, मतलब भगवान का जो मंदिर है वो मैं पोछती हूँ उससे, और ये ऊपर है ऐसे ही। तो ये है, तो जाने तो इतने बड़ा मैंने बता दिया आपको। और हाँ, अभी मैं बनाने वाली हूँ डिनर, तो डिनर के लिए अंडा भुर्जी बनाने हुआ, तो जल्दी से बनाती हूँ, तो फालतू में टाइम वेस्ट हो गया इसमें, तो बताना भी जरूरी था। लेकिन तो जाने दीजिए, मैं जल्दी से अंडा भुर्जी बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। We'll be right back.
अद्विक को फीवर चढ़ गया ना? हाँ। जुकाम? क्या हो गया? तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? खांसी हो गई? हाँ। इधर देखो पूरा चेहरा उतर गया। और यहाँ पर बन के रेडी है अंडा भुर्जी, और चिमनी ऑफ कर देते हैं। गाइस डिनर बन गया है, और हम आने के बाद हम लोग खाएंगे खाना, क्योंकि इनके आने का वेट करते हैं और फिर खाएंगे खाना। देखो स्किन कितनी ऑयली हो चुकी है। भुर्जी बन के रेडी है, पूरा डिनर बन गया है, और अभी बज रहा है 9, बट ये जब ड्यूटी ऐसे आएंगे तब हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ पर अद्विक को ना फीवर भी चढ़ गया है थोड़ा सा, तो अरे 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 तो फीवर भी चढ़ गया है, क्योंकि उसको ना थोड़ी सी खांसी लग रही है और जुकाम भी, मतलब अचानक से लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोया आज, इसी वजह से लग रहा होगा। तो क्योंकि कभी कभी ना बच्चों को रोने की वजह से भी जुकाम हो जाता है। और हाँ, मैंने एक और चीज़ लाई है डिमांड से, मतलब अपने लिए, बाकी का तो ग्रॉसरी लाई है, बट अपने लिए एक और चीज़ लाई है, वो है ये बेली, और अच्छी क्वालिटी की लगी मुझे, इसी वजह से मैंने ले ली। और ये ना सिर्फ 299 रुपीज़ की है, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। थोड़ी सी रफ एंड टफ है और अच्छी लगी मुझे, मतलब डेली यूज़ कर सकते हैं हम इसे, तो इसी वजह से मैंने ले ली ये वाली बेली, और 299 रुपीज़ की है सिर्फ। तो चलिए फिर थोड़ी देर में खाना खा लेंगे, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। और फेस काफ़ी ज़्यादा थका थका सा लग रहा है, तो चलिए जल्दी से स्किन केयर करती हूँ, ड्रेस चेंज करती हूँ, और थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर हम लोग ये आने के बाद फिर ये आने के बाद डिनर करेंगे। अच्छा मच्छर का चाहिए वो रोल ऑन, ओके ठीक है लगा देती हूँ।